बुधनी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी रमाकांत भार्गव ने मुख्यमंत्री मोहन यादव की मौजूदगी में हजारों समर्थकों के साथ नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बीडी शर्मा और सीहोर जिले और बुधनी के भाजपा नेता कार्यकर्तागण भी मौजूद रहे। इस दौरान ढोल धमाकों के साथ नगाड़ों के साथ हजारों भाजपा समर्थकों के द्वारा रोड शो भी किया गया। भार्गव ने तहसील कार्यालय पहुंचकर नामांकन पत्र दाखिल किया। इधर वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने कार्यकर्ता सम्मेलन को भी संबोधित किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने नागरिकों से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। आदर्श सूच के लिए बुधनी से पत्रकार महेंद्र चौहान की रिपोर्ट। परिवार के भाव से आज मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, महेंद्र सिंह जी, हम स्वयं हजारों हजार कार्यकर्ताओं के साथ रमाकांत जी का फॉर्म भरवाने आए हैं। आज हर घर आप बुधनी में देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का झंडा है। जनता के मन में प्रचंड उत्साह है, असीम उत्साह, और ऐतिहासिक वोटों से अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ के रमाकांत जी भारतीय जनता पार्टी की विजय का संकल्प है। क्योंकि आज तस्वीर और तकदीर अगर बदलिए तो भाजपा की सरकार ने बाकी प्रसन्नता है कि आज मध्य प्रदेश की पहचान अगर देश में बनी है तो हमारे अपने बुधनी विधानसभा के कारण से कार्यकर्ताओं का भरोसा भाजपा के परिवार की तरह मेरी अपनी ओर से रमाकांत जी को शुभकामना दी है। और हम उम्मीद का हर परिवार